नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज गुस्सा जब फूट पड़ा पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के ऊपर। देखिए, उस वक्त तेजस्वी यादव जो कि वर्तमान समय में उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं बिहार के, वो वहीं मौजूद थे। जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनकी पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुँचे थे, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुँचे थे। ऐसे में जब सुशील मोदी के सवाल उन तक पहुँचाए गए, उनसे पूछे गए, सुशील मोदी कह रहे हैं कि जब विस्तारित भवन का शुभारंभ हुआ था, बिहार विधानसभा का जो विस्तारित भवन है उसका शुभारंभ हुआ था, उस दौरान नीतीश कुमार ने महामहिम राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया था, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने भी कहीं ना कहीं बहिष्कार किया है नए संसद भवन का। कल जब नए संसद भवन का शुभारंभ होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, नीतीश कुमार कह रहे हैं देश के इतिहास को ये लोग बदल देंगे। नीतीश कुमार खूब गुस्से में सुशील कुमार मोदी के ऊपर भी खूब बोले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। यहाँ जो विधान मंडल का एक्सटेंशन बिल्डिंग में जो हुआ था, विधानसभा का कोई घूम रहा है आज, जो हम उसका करवाए वो तो मेरे साथ ही ना था जी, सब भूल गया कि जो चीज की कमी थी उसी बिल्डिंग का ना हम बढ़ाए हैं। नया थोड़े बनाए हैं, नया असेंबली का कोई भवन बनाए हैं, हम लोग तो उसी का एक्सपेंशन किए हैं ना। आप जानते हैं कि जो भी कमेटी बनती थी उनको बैठने की जगह नहीं थी, तो सबका एक्सपेंशन करके सबके बैठने का जगह बनाए। तो कौन चीज कह रहा है भाई, साथ ही था, हम जो बनाए तो भूल गया है। अब भूल इसलिए गया है कि अभी जो लीडर है वो चाहते हैं सब चीज को बदल दो, और क्या। आपसे इस्तीफा मांगा है, कहा कि आप संसद से इस्तीफा दे दीजिए। सुशील मोदी हमको संसद में चुन के भेजे हैं क्या? अरे सुशील मोदी जी राज्यसभा के सदस्य हैं, और एक बार जो चुनाव जीते थे वो किनके किनके कृपा से जीते थे वो हमको मालूम है, हमको पता है। तो इसलिए सुशील मोदी जी इस्तीफा मांगेंगे, वो अपना 2024 को सुरक्षित करना चाह रहे। अरे भाई, तो 2024 सुरक्षित कर लीजिए ना। हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि भाई देखिए, सुशील मोदी जी बहुत ही आक्रामक ढंग से आपके पक्ष की बात रख रहे हैं, तो 2024 में उनको जरूर रिन्यू कर दीजिएगा, तो अपना भविष्य देखें। इस्तीफा अगर देना है तो इस देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, और इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश के दलित समुदाय के लोगों से, इस देश के आदिवासी समुदाय के लोगों से, और इस देश की महिला से क्षमा मांगना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। तो नाटक कर रहे हैं विधानसभा में, विस्तारित भवन का उद्घाटन को इससे जोड़ रहे हैं। अरे विस्तारित भवन और मुख्य भवन में अंतर नहीं है क्या? ये कौन समझा इनको? लेकिन खैर, इन सब लोगों को देख रही है देश की जनता, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी इतिहास को, जो देश का इतिहास है उसको समाप्त करके अपने नाम करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता सब देख रही है, आने दीजिए। सर, कल जो आपने लोकतंत्र को लेकर कहा है उस पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की परिभाषा आपसे नहीं सीखनी पड़ेगी। लोकतंत्र की परिभाषा हमसे मत सीखिए ना, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, जनता ने वोट दिया है, आप सर्टिफिकेट बांटिएगा कि जनता सर्टिफिकेट देगी। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले? जनता सर्टिफिकेट देगी। वो लोकतंत्र किसको सिखा रहे हैं? लोकतंत्र की परिभाषा सुशील मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। अरे लोकतंत्र को ध्वस्त करने की जितनी परिभाषा है वो आप बताइए देश को, लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं आप। तो नीतीश कुमार हो या फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, दोनों के ही गुस्से का सामना सुशील कुमार मोदी को करना पड़ा है। सुशील कुमार मोदी ने जो बातें कही हैं लोकतंत्र पर खतरा बताया है, उस पर ललन सिंह ने भी क्या कुछ जवाब दिया, हमने आपको वीडियो में सुनाया है। देखना यह है कि एक समय तक जब नीतीश कुमार सुशील मोदी के घनिष्ठ मित्र माने जाते थे, जब नीतीश कुमार सीएम थे, सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे, लेकिन अब बातें कुछ अलग हैं। सुशील मोदी बीजेपी में हैं, नीतीश कुमार की पार्टी अलग है, सरकार में है। सुशील मोदी पलटवार करेंगे ही, और सुशील मोदी के पलटवार का जवाब नीतीश कुमार ने कैसे गुस्से में दिया है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।